नमस्कार प्रभा, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ हैं मोहित ग्रोवर जी, जो कि गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। अभी आपके आने से पहले मैं गांव वाले लोगों से बातचीत कर रहा था। आपके युवा कंधों पर आशाओं और उम्मीदों का बड़ा भारी बोझ है, कैसे करेंगे 5 साल में? हम काम करेंगे, नौजवान मेरे साथ है, 36 बिरादरी मेरे साथ है और मैं मानता हूँ कि बहुत प्यार आशीर्वाद लोगों का मुझे मिल रहा है, जनता मेरे साथ है और मैं आश्वस्त हूँ कि जो जिम्मेवारियाँ जो प्यार मुझे मिल रहा है मैं उनको पूरी कर्तव्य निष्ठा से निभाऊंगा और जो भी काम मैं गुड़गांव के लिए कर सकूंगा पूरी ईमानदारी से करूंगा। और आपने आज जो मुद्दे उठाए वो लगातार आप सोशल मीडिया के माध्यम से उठाते भी रहते हैं। जरा सी बारिश होती है, गुड़गांव तालाब बन जाता है, ट्रैफिक जाम की बड़ी समस्या है, गाँव में आना हो तो बड़ी समस्या है, ये सब आप समस्याएं उठाते रहे, तो कैसे आप प्राथमिकता आपने क्या रखी? आपने यहाँ 5 संकल्प बताए, वो क्या है? आप देखिए, 5 संकल्प बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि गुड़गांव 65% रेवेन्यू देता है पूरे हरियाणा को, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह कि हम आज भी सड़क, सीवर, बिजली, पानी मांग रहे हैं, लोग स्वच्छ पानी मांग रहे हैं, जो समस्याएं कूड़े की है उसके लिए ठीक करने के लिए मांग रहे हैं, तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। ये बेसिक नेसेसिटीज हैं हमारे किसी भी समाज की और उसको दूर करने का हम काम करेंगे। जिस दिन मैं जनता के आशीर्वाद से विधायक बनूंगा सबसे पहले उनको दूर करने का, ठीक करने का काम किया जाएगा। दुनिया में छवि साइबर सिटी की है गुड़गांव में, लेकिन आपने कहा बुनियादी सुविधाओं से महरूम रहा 10 साल में, तो आप मानते हैं कि 10 साल में कुछ काम नहीं? कोई काम नहीं हुआ 10 सालों में, 10 वर्षों में विधायक घर से बाहर नहीं निकले, 10 सालों में इन्होंने विकास नहीं, हरियाणा का विनाश किया है और जनता मन बना चुकी है अब कि ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, गुड़गांव में भी जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, आज 36 बिरादरी का आशीर्वाद मेरे पास है और मैं आश्वस्त हूँ कि कांग्रेस गुड़गांव में बनेगी और पुनः विकास की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे, गुड़गांव का विकास करेंगे और जो बुनियादी आवश्यकताओं का अभाव है गुड़गांव के अंदर उनको आगे करने के लिए हम पूरी दिन रात मेहनत करेंगे। आपको लगता है कि जो आपने कहा कि 5 साल विधायक ने काम नहीं किया, यही कारण रहा कि उनका टिकट काट दिया गया, और जो मैदान में आपके प्रतिपक्ष में लड़ रहे हैं उनके बारे में आपको क्या कहना है, क्योंकि वो भी तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं? ये जनता चुनाव लड़ रही है जी। और ये जनता तय करेगी इस बार किसको जिताना है। ये चुनाव मोहित नहीं लड़ रहा, ये चुनाव गुड़गांव की जनता लड़ रही है, हरियाणा की जनता लड़ रही है और लोगों ने मन बना लिया, उनके मन बनाने से कुछ नहीं होता, वो तो कहते हैं कि हम आ रहे हैं, उनके मन का क्या? चुनाव गद्दी पर बिठाने वाली भी जनता है, गद्दी से उतारने वाली भी जनता है, ठीक है। लोकतंत्र के अंदर मतदाता ही भाग्य विधाता होता है और जो आज का मतदाता है, जो भाग्य विधाता है, उनका निर्णय हो चुका है, उनका मन बन चुका है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार बनेगी और गुड़गांव में भी कांग्रेस पार्टी का विधायक बनने वाला है। आपने कहा मैं ईमानदारी के साथ काम करूंगा, दिल्ली से भी एक नेता अपने आप को सबसे बड़ा ईमानदार बताते हुए यहाँ पे हरियाणा में घूम रहे हैं, आपको लगता है उनका कुछ होगा? वो तो वही जाने, लेकिन हम तो कांग्रेस पार्टी की बात कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने युवाओं को बहुत मौका दिया है, गुड़गांव भी युवा को 30 साल के नौजवान को टिकट दिया, बादशाहपुर भी 30 साल के नौजवान को टिकट दिया, हमारी बहन विनेश फोगाट वो भी नौजवान है, फरीदाबाद भी टिकट दिया नौजवान को, ऐसी कई टिकटें, तो आदरणीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने नौजवानों को मौका दिया है और ईमानदारी के साथ सभी नौजवान पूरे हरियाणा में जिन जिन टिकटें मिली हैं सब पूरी ताकत और जोश के साथ गुड़गांव के विकास के लिए हरियाणा के विकास। कल से राहुल गांधी जी ने भी कैंपेन शुरू कर दिया है, आपको लगता है कि अब जान आ गई है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी हरियाणा के अंदर आए हैं तो एक तरफा माहौल बनेगा इस बार। जी, एक तरफा माहौल। मुकेश जी, पूरे हरियाणा में क्या माहौल देख रहे हैं आप? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं जहाँ काफ़ी पहले भी आया था अभी आया हूँ। मोहित जी ने जैसे कहा, मुझे इसकी सबसे अच्छी बात यही लगी मोहित की, जो आपने सवाल किया कि जिम्मेदारी आप ऊपर डाल दी गई है, आप सोचिए 25 साल की उम्र कोई उतनी उम्र नहीं थी, खेल कूद ये वो उस तरह के लगाव दूसरी चीज़ों में होता है और उस आदमी ने वो बोझ उठा लिया जो एक ज़िंदगी का मेन हिस्सा जो होता है, उन चीज़ों को समझने में लग जाता है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि शायद इसके ऊपर कोई आशीर्वाद है कि इतनी छोटी उम्र में उसने उसको भार न समझ के वो आशीर्वाद समझा है कि मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ। तो आज 31 साल का ये पढ़ाई के साथ में है, दुनियादारी समझता है, ये कि हर एक के बस का बाद में नहीं है कि हम सोचें कि कोई भी पॉलिटिक्स कर सकता, नहीं कर सकता, ये खास बातें होती हैं आप में। तो मैं मोहित से बहुत ही प्रभावित हुई इस बात को लेके, इसकी सोच को लेके, इसके इस सोच में कि मैं इस यंग एज में कुछ करना चाहता हूँ, और जब इतना यंग बच्चा को ये सोच लेके चलता ना, फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। तो मैं पूरी उम्मीद है मुझे कि मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के भी बहुत नज़दीक हूँ, बहुत मैं उनकी इलेक्शन में कवर किया है, उनके हमेशा
मुझे प्यार मिलता रहता है, तो मुझे बेहद बेहद खुशी होगी अगर ये कम्बिनेशन हुडा जी वहाँ सेंट्रल सीएम संभालें, ये उनके जो साथ में जुड़े हुए साथी हैं ये अपनी देखभाल, क्योंकि एक आदमी का काम नहीं होता, टीम से ही होता है, तो एक अच्छी टीम बने। तो आपको लग रहा है कि हरियाणा में, क्योंकि आप प्रचार भी कर रहे हैं, तो लग रहा है कि हरियाणा में बीजेपी जा रही है और कांग्रेस वाकई में? मैं ये कहूँगा कि जो आदमी मेहनत करता है उसका फल अच्छा लाजमी है, तो मैं उसी पे विश्वास करता हूँ। मैं एक छोटा सा इंसान हूँ जो इस बात पे विश्वास करता है कि करोगे तो बचोगे, तो करना बहुत ज़रूरी है। तो बाकी वो लोग भी अपोजिशन वाले भी अपनी मेहनत करते होंगे, लेकिन जब पता है हमको तो हमारी मेहनत उनसे ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।